क्लास 11th चैप्टर नंबर 29 लिमिट आरडी शर्मा एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 28 है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए रेस टू पावर एक्स साइन बी अपॉन ए रेस टू पावर एक्स ए बी ग्रेटर देन वन इज इक्वल टू, तो हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए रेस टू पावर एक्स बी साइन बी अपॉन ए रेस टू पावर एक्स। पहले आप चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है। अब देखो a ग्रेटर देन वन है b भी ग्रेटर देन वन है, तो अगर आप x के जगह डायरेक्टली इन्फिनिटी डालोगे तो ये हो जाएगा a की पावर इन्फिनिटी, और a जो है वो वन से बड़ा है, तो अगर आप वन से बड़े क्वांटिटी की पावर इन्फिनिटी करते हो तो वो इन्फिनिटी ही आता है। ठीक है, तो हो गया इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे तो b अपॉन a की पावर इन्फिनिटी, और a की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाता है इन्फिनिटी ही हो जाता है, क्योंकि अगर आप किसी भी क्वांटिटी जो कि वन से बड़े उसकी अगर पावर इन्फिनिटी करोगे तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, तो बी अपॉन इन्फिनिटी और वन अपॉन इन्फिनिटी एनी थिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, तो ये हो गया साइन जीरो, और साइन जीरो जीरो होता है, तो ये हो गया जीरो। तो ये कौन सी फॉर्म है इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, अब देखो यहाँ पर आप लॉपिटल नहीं लगा सकते, आई होप आपको याद हो कि लॉपिटल सिर्फ आप वहाँ पे ही अप्लाई कर सकते हो जहाँ पर जो आपका प्रॉब्लम है वो जीरो अपॉन जीरो या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में बने, वहीं पर लॉपिटल लगा सकते हो, यहाँ पर लॉपिटल नहीं लगा पाएंगे। तो आप देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, जो इन्फिनिटी है ना इसको बेसिकली हम इसी फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं, तो आप देखो जीरो इंटू इन्फिनिटी है, तो जीरो इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना वन अपॉन जीरो, इसका रेसिप्रोकल कर कर लिख लेंगे यार, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे इस वाले जो फंक्शन इन्फिनिटी दे रहा है उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन जीरो, और वन अपॉन जीरो इसको मल्टीप्लाई करो तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे, इस ए रेस टू पार एक्स को नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा साइन बी अपॉन ए रेस टू पार एक्स, इसको नीचे ले आया तो ये बना वन अपॉन ए रेस टू पार एक्स, वापस से घूम कर जाएगा तो सेम बन जाएगा। और आप देख रहे हो कि साइन ए रेस टू पावर एक्स ये वाला जीरो हो रहा है, तो आपने पढ़ा है ना कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स ये वन होता है। अगर आपको ये इस फॉर्म में बन रहा है ये अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप क्या करो ए रेस वन अपॉन ए रेस टू पावर एक्स को वाई ले लो। फिलहाल आप देखो यहाँ पर अगर आप ये वाला लिमिट डाल रहे हो तो ये वाला एंगल में जीरो हो जा रहा है, तो जो अगर जीरो हो जा रहा है तो जो एंगल में वो नीचे बनाओ, तो यहाँ पे बी था तो बी से मल्टीप्लाई कर दिया और बी से डिवाइड कर दिया, तो ये जो क्वांटिटी है ये वन हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा बी, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो अगर आपको फिल लेना है तो यहाँ पे पुट कर लो तो ज़्यादा क्लियर होगा, लेट वाई इज इक्वल टू मतलब वन अपॉन ए रेस टू पावर एक्स। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज कि एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई जो है वो किसको अप्रोच करेगा जीरो को। अब एक्स की जगह इन्फिनिटी डालोगे तो ए की पावर इन्फिनिटी दैट विल बी वन अपॉन इन्फिनिटी और वो हो जाएगा जीरो। तो एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई जो है जीरो को अप्रोच करेगा, सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो ये बन जाएगा लिमिट वाई अप्रोचेस टू जीरो साइन बी वाई और अपॉन में वाई। और आप देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, जो एंगल में वाई नीचे बनाओ तो बी वाई एंगल में, तो बी वाई बना दो तो बी से डिवाइड करो बी से मल्टीप्लाई करो ये वन तो बी बच गया। ठीक है, तो इस तरह से बस देखना होता है कि जो आप लिमिट डालो और एंगल में वो एंगल जीरो बनना चाहिए, अगर जीरो बन रहा तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो आप देखो एक बार फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे चाहो तो लॉपिटल भी लगा सकते थे, बट लॉपिटल यहाँ पे लगाना क्या ही मतलब बनता है, ये तो सिंपल ही वैसे ही सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो लॉपिटल लगा के आप कॉम्प्लिकेट मत कर लेना चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है,
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एट अपॉन एक्स की पावर एट, वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू, हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी। तो अब देखो मैं प्रॉब्लम को एक बार लिख दूं, तो प्रॉब्लम है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एट अपॉन एक्स की पावर एट, ये वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बाई फोर कुछ ऐसा। अगर आप यहाँ पे जीरो डालते हो तो देखो क्या बनेगा, जीरो डालोगे तो आप बेसिकली ये ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ऊपर जीरो डाला तो एट वन माइनस कॉस जीरो वन, मतलब फिर ये कॉस जीरो वन, फिर कॉस जीरो वन वन, तो वन इंटू वन वन, और अपॉन में नीचे जीरो डालोगे तो जीरो की पावर एट, तो इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, तो जीरो अपॉन जीरो की पावर एट ये भी जीरो है। तो ये कौन सी फॉर्म में है, ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में। अब देखो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में है तो दो मेथड, या तो लॉपिटल लगा लो या फिर फॉर्मूला लगा लो। अब देखो यहाँ पर गलती से भी भूल के मत लॉपिटल लगा देना यार, फंस जाओगे। कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, नीचे एक्स की पावर एट है तो आपको एट बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब एट मोस्ट आठ बार तो कम से कम डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, ठीक। तो आठ बार तो हम डिफरेंशिएट बिल्कुल नहीं करना चाहते, आठ बार थोड़े कोई करता है। तो इसलिए यहाँ पे लॉपिटल मत लगाना, यहाँ सिंपली सॉल्व ही करना, ठीक है। फॉर्मूले वगैरह लगाने की सोचना, लॉपिटल मत लगा देना यार, ठीक है। तो आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब आप देखो इन दोनों में क्या, अब देखो इन दोनों में जो है एक्स की पावर फोर कॉमन है तो कर लो, तो एट वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई टू, इन दोनों में माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई फोर कॉमन करो तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई टू अपॉन एक्स की पावर एट। अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप वापस से मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम बन जाएगा, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में वन माइनस कॉस, वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई टू कॉमन है, तो एट वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू पीछे रह जाएगा ये वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई फोर कुछ ऐसा अपॉन में एक्स की पावर एट, ठीक है। अब आप देखो वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एट टू साइन स्क्वायर। अब देखो कंपेयर करो, थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो थीटा की जगह रख दो एक्स स्क्वायर बाई टू और नीचे टू तो रहेगा ही रहेगा। मतलब आप कंपेयर करो ना यार, थीटा की जगह क्या है एक्स स्क्वायर बाई टू, उसको टू से डिवाइड भी करना, मतलब वन बाई टू से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। तो सेम आप यहाँ पे करोगे, सेम कंपेयर करो, वन माइनस कॉस थीटा, इसको थीटा रीड करो तो वन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू होती है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, मतलब एक्स स्क्वायर को वन बाई टू से मल्टीप्लाई करो तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर बाई एट, एक्स स्क्वायर बाई एट अपॉन में एक्स की पावर एट। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एट देखो टू इंटू टू फोर, फोर इंटू एट थर्टी टू, ये बना साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फोर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एट अपॉन में एक्स की पावर एट। और आपने पढ़ा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो वन होता है, तो आप क्या करो चार एक्स इसे दे दो, चार एक्स इसे दे दो, इक्वली इक्वली डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो,
32 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4, इसको दिया 4x, इंटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 8, इसको दे दिया 4x। ठीक है, अब देखो इसको ऐसा लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर एक्स को ऐसा लिख सकते हो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 को लिख सकते हो साइन एक्स स्क्वायर बाय 4 साइन एक्स स्क्वायर बाय 4। ठीक है, और इसको एक्स स्क्वायर दोगे तो फाइनली इन दोनों को साथ में ही लिख दो, मतलब तो कुछ एक ही पावर में कर लिख दो, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 32, इसमें लिखो साइन एक्स स्क्वायर बाय 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर लिख सकते हो। यार दोनों को एक ही पावर में कर दिया, इसी तरह से सेम इसके लिए भी कर दो, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर बाय 8 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा। ठीक है, यहां तक कर लिया। अब आप देखो, आपने पढ़ा था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो 1 होता है, तो जो एंगल में है वही नीचे बनाओ। अब देखो एंगल में एक्स स्क्वायर बाय 4, तो नीचे 4 से डिवाइड करो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी तरह से एंगल में 8, तो 8 से डिवाइड करो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 32 साइन एक्स स्क्वायर बाय 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बाय 4, और 1/4 अपना देखो इसकी कोई यूज नहीं है यहाँ पर, तो इससे बाहर कर लो, तो ये बाहर आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर लेकर, उसी तरह से साइन एक्स स्क्वायर बाय 8 अपॉन एक्स स्क्वायर बाय 8, और बाहर आ जाएगा 1/8 का स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो आप देखो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा 32, 4 का स्क्वायर 16, और ये हो गया 64, तो ये दो बार में, तो 16 × 2 = 32, तो इसके लिमिटिंग वैल्यू आएगी 1/32। आप देखो एक बार फिर, हम ऑप्शन सी हो जाएगा। आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या बोल रहा है, इफ अल्फा इज अ रिपीटेड रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, then limit x approaches to alpha tan a x square plus b x plus c upon x minus alpha ka whole square। देखो problem है limit x approaches to alpha tan a x square plus b x plus c upon x minus alpha ka whole square, ऐसा कुछ है। और आप देखो और यहाँ पे बताया गया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू का रूट है अल्फा, और कैसा रूट है, रिपीटेड रूट है। आप देखो रिपीटेड रूट मतलब इसके दो रूट जो आएंगे अल्फा अल्फा आएंगे, मतलब दो रूट अल्फा आएगा, रिपीटेड रूट हो गए। ठीक है, और आप देखो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है, तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा दो रूट आने थे, तो दोनों रूट तो अल्फा ही हो गया। रिपीटेड रूट का मतलब दो बार रिपीट हो रहा है, एक बार अल्फा फिर दोबारा भी अल्फा आया है। ठीक है, रिपीटेड रूट का सिर्फ अल्फा रूट बोलता तो एक ही अल्फा लिखते, लेकिन रिपीटेड बोला था। अब देखो यहाँ पे रिपीटेड वर्ड लिखा हुआ है, रिपीटेड रूट, अल्फा इज अ रिपीटेड रूट, अल्फा जो है वो रिपीटेड रूट है इस इक्वेशन का, मतलब इसके इस इक्वेशन का दो रूट जो है वो अल्फा और अल्फा है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा दो रूट ही हो सकते थे, तो दोनों रूट तो अल्फा ही हो गया। तो आप देखो ये कौन सी फॉर्म में, तो आप x की जगह अल्फा डालो। आप देखो अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब अगर आप यहाँ पे अल्फा डालोगे तो वो जीरो हो जाएगा।
ठीक है, सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स की जगह अल्फा डाल दोगे तब भी जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा जीरो के इक्वल है। तो टेन जीरो बनेगा, अल्फा डालोगे तो ये टेन जीरो, नीचे जीरो अल्फा माइनस अल्फा का स्क्वायर, तो टेन जीरो जीरो अल्फा माइनस अल्फा जीरो, और जीरो का स्क्वायर जीरो, तो कौन से फॉर्म में है, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में। अब देखो अगर हम बोले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का अगर एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा। अब देखो हम इस पे बात नहीं कर रहे अपनी, एक हम बस आपको एक चीज बता रहे चाह रहे, शायद आपने पढ़ा हो, तो हम ना इस पूरे चीज को ऐसा कुछ लिख सकते ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। हमने क्या बोला कि अगर मैं बोलूं अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, बीटा मतलब एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका रूट है अल्फा और बीटा, इस इक्वेशन के दो रूट है अल्फा और बीटा, तो आपको पता है कि अगर अल्फा रूट है तो एक्स माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा, ठीक है। और अगर बीटा रूट है तो एक्स माइनस बीटा इसका फैक्टर होगा, ठीक है, और अगर एक्स माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर है, एक्स माइनस एक बीटा इसका एक फैक्टर है, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा भी इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, अगर एक्स माइनस अल्फा बीटा इसका फैक्टर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। बस ध्यान ये रखना कि अब देखो जो यहाँ पर ए भी आता है, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री का जो कॉफिशियंट है क्या ए है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, अगर वन रहता तो हम ए कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो हमारा एक कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो मैंने क्या बोला इसके दो रूट्स हमने चलो थोड़ी देर के लिए ले लिए अल्फा और बीटा। अगर हमने दो रूट्स लिए अल्फा और बीटा, अगर अल्फा इसका रूट है तो एक्स माइनस अल्फा जो होगा फैक्टर होगा किसका, फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का नहीं, ध्यान रखना होता है, रूट रूट हम किसका लेते हैं इक्वेशन का लेते हैं, फैक्टर हम क्वाड्रेटिक का लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इक्वल टू जीरो लगाओगे तो वो सही नहीं रहेगा, एक्स माइनस अल्फा फैक्टर नहीं हो सकता, फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का फैक्टर नहीं, सिर्फ इसका फैक्टर है, ठीक है। आप एक्स माइनस अल्फा से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, दैट इज इट, ठीक है। इसी तरह से बीटा इसका रूट है तो एक्स माइनस बीटा जो होगा वो फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। आप देखो फैक्टर है कहने का मन क्या, देखो मैं थोड़ा सा एकदम मतलब थोड़ा ज्यादा ही घुस रहा हूँ मैं इस पर, बट मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए घुस रहा हूँ, मतलब क्या है वो, मैं ऊपर ऊपर से जाऊंगा तो शायद दिक्कत हो जाए, इसलिए मैं आराम से समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी हमें है नहीं, एक ही प्रॉब्लम करेंगे अच्छा से करेंगे, मेरा ये मतलब ये रहता है कि अगर हम एक ही प्रॉब्लम करें अच्छा से करें, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सा भी कन्फ्यूजन रह जाए। अगर ये दूसरा टॉपिक का भी कुछ चीज आया, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे आर डी सर में है नहीं, फिर भी इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो एक्स माइनस अल्फा जो है वो फैक्टर है इसका, मतलब आप एक्स माइनस अल्फा से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, मतलब क्या कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जब आप कैसे समझाओ, अब देखो एक्स माइनस अल्फा से जब डिवाइड करोगे इस इक्वेशन को तो क्या होगा, कुछ कोसेंट आएगा और फिर इधर रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो होगा क्योंकि इसका फैक्टर है, फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर जीरो आएगा। अरे यार अपने ई भी तो समझे, अगर आपने ये अगर आपको याद हो तो रिमाइंड आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा, फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आप एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करो और आपको
डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है इसको पता करना है, तो आप सिंपली पी ऑफ अल्फा निकालो, पी ऑफ अल्फा यहाँ पे अल्फा डालोगे तो जीरो आ जाएगा क्योंकि रूट है, तो मतलब रिमाइंडर तो जीरो आएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा चीजें। अब देखो रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है ना कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर जीरो है, डिविडेंड है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर क्या, एक्स माइनस अल्फा और कुछ में कोसेंट आएगा, दैट इज इट, ऐसा कुछ आएगा। हम इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना। और आप देखो x माइनस अल्फा इसका फैक्टर, x माइनस बीटा इसका फैक्टर है, और कोसेंट कुछ नहीं होगा बल्कि क्या होगा, सोच के बताओ कोसेंट क्या होगा। अब देखो इधर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उधर भी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनना चाहिए, मतलब अब देखो इसकी डिग्री कितनी है, 1। अब देखो इस टोटल की डिग्री है 2, तो q की जो डिग्री होगी वो 1 होगी, जो q जो होगा एक पॉलिनोमियल होगा वो भी जिसकी डिग्री 1 होगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैंने क्या बोला, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सी। अब देखो ध्यान से देखो, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके इक्वल है एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू। अब देखो इसकी डिग्री है 2, तो ये इसके इक्वल कैसे होगा, ये क्वांटिटी इसके इक्वल तभी होगा ना जब ये भी 2 डिग्री का, ये भी 2 डिग्री का हो। तो आप देखो ये तो 1 डिग्री का है, एक्स माइनस अल्फा क्या 1 डिग्री का है, तो क्यू को भी क्या होना होगा, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए, तब तो 1 + 1 2 हो जाएगा। पावर्स मल्टीप्लाई नहीं होते, ऐड होते, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो आप देखो एक्स माइनस अल्फा इसी तरह से एक्स माइनस बीटा फैक्टर होगा किसका, ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। तो इसलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब देखो इधर 2 डिग्री है तो इसलिए इधर देखो 1 डिग्री है 1 डिग्री है, तो 1 + 1 2 डिग्री हो चुका है, तो कोसेंट यहाँ पर जो कोसेंट होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, और बल्कि यहाँ पे कोसेंट क्या आता है, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वही कोसेंट हो जाता है, तो वही ए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अगर कोसेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एक्स स्क्वायर को आप डिवाइड करके चेक करोगे ना, तो जब जो कोसेंट जो होगा वो ए ही आ जाएगा, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट वो आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो फाइनली इस पूरे को ऐसा लिख सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख सकते हो, अगर इस इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है। तो अब देखो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, इसके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स क्या है, अल्फा है, अल्फा है, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा और बाहर में ए, विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हो, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा, तो इसको मतलब ए एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। मतलब हमको बस इतना बताने के लिए इतना डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह ए एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लिख दो। तो टेन ए एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और अपॉन में एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। अब देखो चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, बट आपको पता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये सारा कुछ एक्सप्लेनेशन था, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स वन होता है। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि आप जीरो को यहाँ पर एंगल में, मतलब जो लिमिट है उसको एंगल में डालो तो जीरो आना चाहिए, जैसे इस जीरो को यहाँ डालोगे तो जीरो आ रहा है ना, जीरो नीचे जीरो डालो तो जीरो आ रहा है। तो आप देखो अगर यहाँ पर आप अल्फा डालोगे तो अल्फा माइनस अल्फा जीरो हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा जीरो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। आप देखो जो एंगल में वही नीचे होना चाहिए, तो ए से मल्टीप्लाई करो, ए से डिवाइड करो, तो ये पूरा वन, ये वन हो जाएगा तो पीछे रह जाएगा ए, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू ए आ जाएगी। अगर आपको दिक्कत है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम जो बताया वो मैंने गलत बता दिया है, तो आप कुछ मत करो, पुट कर कर चेक कर लो, एक्स माइनस अल्फा को एक्स माइनस अल्फा को वाई पुट कर लो। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक है, पॉलीनोमियल है, और लिमिट भी जीरो का अप्रोच नहीं करा, तो मैंने मेथड क्या बताया, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, तो सब्स्टिट्यूट कर दो वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, उससे कर कर देखोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, बट वो आप खुद करना क्योंकि आपको इशू आ रहा है, हमें तो ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए, अगर मैं रहा था तो ऐसे ही सॉल्व भी करना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या ही लगाना है, ठीक है।
तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। इतना कुछ खास प्रॉब्लम था नहीं, बस थोड़ा सा मैंने टाइम लिया कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऐसा हो सकता है ना, बहुत कोई तो पढ़ के भी आ रहे हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं जो जिन्हें थोड़ा सा इशू हो, इतना डीप में पढ़ा नहीं हो, या फिर ऊपर ऊपर से पढ़ लिया हो, तो फिर मैंने उसके लिए एक्सप्लेन भी कर दिया है, क्योंकि हमें सबका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स। तो हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बार मैं प्रॉब्लम को लिख दूं, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स। तो पहले आप चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है। तो क्या करो, एक्स के जगह जीरो डाल दो। एक्स के जगह जीरो डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पर जीरो तो स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया जीरो अपॉन जीरो। तो ये कौन सी फॉर्म में है, ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है। अब देखो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में है तो दो मेथड, या तो आप लॉपिटल लगा लो या फिर क्या, या फिर रेशनलाइज कर लो। आप देखो स्क्वायर रूट है तो रेशनलाइज कर लो, पहले तो आप लॉपिटल मत ही लगाओ, देखते हैं पहले रेशनलाइज करके क्या होता है। लॉपिटल लगाओगे तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वो भी देखना पड़ेगा, चलो बाद में देखते, पहले रेशनलाइज से करते। तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स। पहले न्यूमरेटर की रेशनलाइज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ये जो पूरा है एज इट इज रखो और बीच का साइन चेंज कर दो। ऐसा कुछ ठीक है। तभी देखो कौन सी फॉर्म में है ये, यहाँ पे ना ये फॉर्मूला लगा दो। अब देखो इसको ए रीड करो, इसको बी रीड करो, इसको ए रीड करो, इसको बी रीड करो, तो ये बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए एक्स प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे आ जाएगा ए एक्स ए प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स, ठीक है, और ये नीचे हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर आप जीरो डालते, मतलब अब देखो ये जो क्वांटिटी है ना, इसमें अगर आप जीरो रिप्लेस करोगे तो वो ना ही जीरो बनेगा ना ही इन्फिनिटी बनेगा। आप रिप्लेस कर कर देख लो, यहां पर जीरो डालोगे तो ए स्क्वायर, यहां पर जीरो डालो तो ए स्क्वायर, यहां पर ए ही लिख दो यार, ए प्लस ए,
क्योंकि हमें ए के बारे में कुछ बताया नहीं है तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो सिंपली ए ही लिखो, 2a हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मॉड भी नहीं दिया तो मॉड हम क्यों लेंगे, दिया हुआ था तो सोचते हैं। देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स, और इसके जगह आ गया 2a। यहाँ पे हमने लिमिट की ओर रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये जीरो या फिर इन्फिनिटी नहीं बन रहा है रिप्लेस करने पर, इसलिए लिमिट हमने डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर शिफ्ट किया माइनस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर से ए एक्स स्क्वायर रिमूव, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर रिमूव अपॉन में 2a स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स। अब आप इस वाली टर्म का भी रेशनलाइजेशन करो तो कैसे करेंगे, ए प्लस एक्स देखो मिडिल का साइन चेंज कर दो, मिडिल में नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला आप देखो, इसको ए रीड करो, इसको बी रीड करो, इसको ए रीड करो, इसको बी रीड करो, तो ये बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर रह रहा है माइनस टू ए एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन में 2a, और ये बनेगा ए स्क्वायर मतलब ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 2a से ये 2a रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर आप लिमिट डाल सकते हो तो डाल दो, क्योंकि ये जो यहाँ पर आप देखो ये पॉइंट डीटे जो है वो प्रोडक्ट में है, लिमिट डालोगे तो जीरो या फिर इन्फिनिटी नहीं बनेगा, ठीक है नहीं बनेगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ये हो गया माइनस 2x, यहाँ पर डाला तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन, यहाँ पर ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स। तो ये बना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस टू एक्स, ये हो गया टू स्क्वायर रूट ऑफ ए ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स, तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो जाएगा। एक्स प्लस एक्स टू एक्स, ये अब टू कहां से रह गया, अरे यार 2a से के कैंसिल होता ना, सिर्फ माइनस एक्स रहना था, ठीक है। तो ये 2 हट चुका था तो ये 2 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है डी हो जाएगा। आप देखो एक बार, फिर हम लॉपिटल से भी सॉल्व करते हैं। आप देखो अगर लॉपिटल लगाओगे तो क्या होगा, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, तो लगा दो यहाँ पे लॉपिटल, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसके डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर आप देखो इस यहाँ पे एक्स तो है नहीं, इस पूरे को एक्स रीड करोगे तो इसकी भी करनी होगी, तो ए स्क्वायर की डिफरेंशिएशन जीरो माइनस एक्स की हो जाए, माइनस एक्स की होगी माइनस ए और एक्स स्क्वायर की टू एक्स, फिर माइनस इसकी डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर,
फिर इस अंदर वाले की करो तो ए स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 0, ए एक्स की हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर की 2 है, तो कुछ ऐसा बनेगा। नीचे बनेगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स, और फिर ए माइनस एक्स की करोगे तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब शायद हो चुका है। अब अगर आप लिमिट डालोगे तो दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे डालोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 ए माइनस ए, ए ए नीचे डालोगे तो 1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ, ये ए से ये ए रिमूव, ये ए से ए रिमूव, तो माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो 2 से 2 कैंसिल ऊपर जाएगा तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए। ठीक है, तो लॉपिटल से भी हो गया इजिली, तो ज़्यादा हमें डिफ्रेंशिएट करना नहीं पड़ा। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अगर हम यहाँ पर और कुछ, ठीक है, तो आप देख लो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स की पावर 4 टेन क्यूब एक्स माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस 5 एक्स क्यूब, कुछ इतना लंबा चौड़ा सा दिया हुआ है। जब भी इतना लंबा चौड़ा सा दिया हो ना, तो आप समझ लेना कि प्रॉब्लम में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस डराने के लिए हमें ऐसा दे दिया। देखो मैं एक बार प्रॉब्लम को वापस अच्छा से लिखता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स की पावर 4 अपॉन टेन क्यूब एक्स माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में एक्स माइनस 5 एक्स क्यूब। अब देखो अगर आप 0 डालोगे तो ये कौन सी फॉर्म में बनेगी, 0 डाला तो 1 कॉस 0 1 साइन 0 0 साइन 0 0 0 0, ठीक है, 1 माइनस 1 भी 0, तो फाइनली 0 ही बनना। नीचे डालोगे तो 0 0 0 0 तो 0 अपॉन 0, कौन सी फॉर्म में है, 0 अपॉन 0 फॉर्म में। तो दो मेथड, या तो आप लॉपिटल लगा लो या फिर क्या सॉल्व कर लो। तो आप देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स की पावर 4 अपॉन टेन क्यूब एक्स प्लस माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस 5 एक्स का क्यूब। बहुत सिंपल, आप क्या करो, आप देखो ऊपर में साइन की सबसे छोटी पावर क्या है, मतलब पूरे में साइन की सबसे छोटी पावर साइन एक्स है, ठीक है, तो क्या करो ऊपर भी एक्स से डिवाइड कर दो नीचे भी एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, एक्स से सब सारे ऊपर में भी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं
आप देखो, हमने एक्स से ही क्यों डिवाइड करा? हम चाहते तो एक्स स्क्वायर से भी कर सकते थे, एक्स क्यूब से भी कर सकते थे, एक्स की पावर 4 से भी कर सकते थे, बट हमने एक्स ही क्यों चुना? तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर साइन की जो सबसे छोटी, न्यूमरेटर और डिनोमेटर दोनों में देख रहे हैं, तो साइन की सबसे छोटी डिग्री जो है वो एक्स ही है, एक्स ही है, और एक्स की भी सबसे छोटी डिग्री एक्स है, मतलब एक्स भी एक ही है, तो इसलिए एक्स से ही। अगर हम एक्स स्क्वायर से करते तो क्या होता, एक्स स्क्वायर नहीं आ पाता ना अच्छे से। यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर अगर आ जाता, हमने एक्स से इसलिए करा है ऊपर नीचे डिवाइड, क्योंकि अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाता तो क्या हो जाता, देखो यार, एक्स स्क्वायर आता तो ये होता साइन एक्स अपॉन एक्स, और ऐसा कुछ हो जाता, ये तो वन हो जाता, बट ये क्या हो जाता, ये इन्फिनिटी हो जाता, बेड़ा गर्क हो जाता। उसी तरह से अगर हम नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते तो यहाँ पर आ जाता वन अपॉन एक्स, या फिर उससे हायर से भी करते तो आ जाता वन अपॉन की फॉर्म में, जो कि इन्फिनिटी हो जाता, तो बेड़ा गर्क हो जाता। तो ऊपर और नीचे दोनों की हाईएस्ट डिग्री एक्स की वन ही है, मतलब स्मॉलेस्ट डिग्री से ही डिवाइड कर रहे, तो स्मॉलेस्ट डिग्री एक्स ही ले सकता था, डिनोमिनेटर वाला भी स्मॉलेस्ट डिग्री एक्स ही बर्दाश्त कर सकता, अगर उससे बड़े दे देंगे तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो फिर नहीं सॉल्व हो पाएगा, तो इसलिए बस यही कंडीशन था। अब क्या करो, सबको अलग अलग करो, तो टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपोन एक्स प्लस टू साइन एक्स अपोन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स अपोन एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स से डिवाइड करा, एक एक्स निकल गया, एक एक्स निकल गया। इसी तरह से टेन क्यूब एक्स अपोन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपोन एक्स प्लस वन माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप कुछ मत करो, बस लिमिट रिप्लेस करो, प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। आप देखो लिमिट डालोगे तो ये है साइन एक्स बाय टू अपोन एक्स, ऐसा कुछ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, थोड़ा और अच्छा से सॉल्व कर देते, चलो एक स्टेप और इंक्रीज कर देते। आपको पता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, तो इसलिए टू साइन एक्स बाय टू अपॉन एक्स, एक ही एक्स था तो साइन एक्स बाय टू इधर आ गया, टू से डिवाइड करा, टू से मल्टीप्लाई करेगा तो ये टू से ये टू हो जाएगा, प्लस टू साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स इधर करा और साइन स्क्वायर एक्स को अलग कर दिया, माइनस एक्स प्लस थ्री एक्स क्यों अपॉन ऐसा कुछ टेन एक्स अपॉन एक्स। आपने ये भी पढ़ा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, तो टेन एक्स अपॉन एक्स इधर, टेन स्क्वायर एक्स इधर, साइन एक्स अपॉन एक्स और साइन एक्स इधर। अब आप लिमिट डालोगे तो ये वन साइन जीरो जीरो हो जाएगा, ये वन टू हो जाएगा, ये वन ये जीरो तो जीरो हो गया, ये जीरो और ये भी जीरो, देखो ऊपर आ गया टू, फाइनाइट आ गया, तो प्रॉब्लम खत्म। अब देखो ये वन ये जीरो तो वन इंटू जीरो जीरो, ये वन ये जीरो तो जीरो, फिर वन माइनस वन तो टू बाई वन टू, कुछ भी नहीं था, देखिए कुछ भी नहीं था। तो आप लॉपिटल लगाते तो शायद आपको डिफरेंशिएट ज़्यादा करना पड़ता, लेकिन एक बार डिफरेंशिएशन में मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। चलो मैं कर कर दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास स्पेस है तो हम कर सकते हैं। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अब देखो ये मेथड वन था, दिस विल बी मेथड टू, एल हॉस्पिटल रूल। तो अब देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन के डिफरेंस, तो ये क्या बोलता है, न्यूमरेटर की अलग से डिनोमिनेटर की अलग से, वन की जीरो माइनस कॉस एक्स की हो जाएगी साइन एक्स, साइन एक्स के डिफरेंसिएशन कॉस एक्स, साइन को क्यू एक्स की हो जाएगी थ्री साइन स्क्वायर एक्स, और फिर साइन एक्स की कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर की टू एक्स, ट्वेल्व एक्स क्यू अपॉन, फिर इसकी करोगे तो थ्री टेन स्क्वायर एक्स, और फिर टेन एक्स की सीकेंड स्क्वायर एक्स, इसकी हो जाएगी ट्वेल्व साइन एक्स, साइन एक्स की करोगे कॉस एक्स, वन माइनस पंद्रह एक्स स्क्वायर। कैसे करो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अब देखो वन की तो जीरो हो गई, कॉस एक्स की डिफरेंस माइनस साइन एक्स, माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो ये क्लियर हो गया।
टू साइन एक्स की डिफरेंसेशन कॉस एक्स हो गई, साइन एक्स की डिफरेंसेशन कॉस एक्स, दैट इज इट। फिर साइन क्यूब एक्स है तो इसको आप साइन एक्स का क्यूब पढ़ सकते हो। और अगर हमें इसकी डिफरेंसेशन करनी है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो साइन, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर एक्स क्यूब की आपको डिफरेंसेशन करनी आपने सीखी है, एक्स क्यूब की होती है क्या होती है 3x2, तो साइन एक्स क्यूब की डिफरेंसेशन 3 sin x2, और फिर साइन एक्स की भी करनी होती है, फिर साइन एक्स की डिफरेंस, ठीक है 3 sin x2, तो ये बनेगा 3 sin x2 और फिर साइन एक्स की डिफरेंसेशन सेम वहाँ पर एक्स स्क्वायर की 2x और ये 4 आएगा नीचे, एक्स की पावर 4 की डिफरेंसेशन 4x³, तो 3 × 4 = 12x³। फिर टेन क्यूब एक्स की इसी तरह से क्या होगी, टेन क्यूब एक्स की डिफरेंसिएशन होगी देखो 3 tan² x और फिर अंदर वाला टेन एक्स की डिफरेंसिएशन ऐसा, ठीक है टेन एक्स की डिफरेंसिएशन sec² x, तो वही ऐसा कुछ आ गया। फिर साइन एक्स स्क्वायर की भी ऐसी सेम कर लोगे तो 2 sin x, तो 2 नीचे आएगा तो 12 हो जाएगा, 12 sin x, और फिर साइन एक्स की कॉस एक्स 1 और उसकी माइन एक्स क्यूब की डिफरेंसिएशन 3x², तो 5 × 3 = 15x². 0 डालोगे तो साइन 0 0, कॉस 0 1, 2 मतलब कॉस 0 1, यहाँ पे साइन 0 उसको 0 कर देगा वो 0 हो जाएगा, वो भी 0। सेम यहाँ पे ये टेन 0 0 होता तो ये 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, और ये 15x यहाँ पे 0 डालोगे तो 15 × 0 0 हो जाएगा, तो फाइनली 2 ही आएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा, कुछ भी नहीं था प्रॉब्लम को देख लो एक बार।